हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे और लौकी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए हमने लिया है, लौकी को कद्दूकस कर लिया है, हरा धनिया, एक प्याज कद्दूकस करी हुई, एक हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर लहसुन का पेस्ट है ये, गेहूं का आटा और घी। तो इनको हमें मिक्स कर लेना है, हरा धनिया, लौकी, प्याज, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चार से पांच चम्मच गेहूं का आटा, टमाटर और लहसुन का पेस्ट। पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे इसका घोल बनाना है, ज्यादा पतला नहीं करेंगे। तो तवा हमारा गर्म है, अच्छी तरह से इसे फैला देंगे, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने। तो हमारे गेहूं के आटे और लौकी की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से सेकनी है हमें ये। तो हमारे गेहूं के आटे और लौकी की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।